प्यार एक गहरा और खुशनुमा एहसास है। जब किसी से प्यार होने लगता है तो रिश्ते की शुरुआत में हम अक्सर सिर्फ सकारात्मक चीजें ही देखते हैं और हमेशा सातवें आसमान पर रहते हैं। यह एहसास इतना गहरा होता है कि यदि हमें उस व्यक्ति से बदले में उतना ही प्यार न मिले तो काफी दुख पहुंचता है। लेकिन कुछ रिश्तों में वक्त के साथ साथ प्यार की शुरुआत वाला एहसास बदलने लगता है। पार्टनर की जो नकारात्मक बातें उन्होंने शुरुआत में इग्नोर की थी, बाद में वही बातें खराब लगने लगती हैं। छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगता है और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आपको लगता है कि इस रिश्ते को खत्म कर देने में ही भलाई है। कभी कभी प्यार का अंजाम इतना खौफनाक होता है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। यह दो इंसानों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देता है। ये बात सच है कि बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अपना प्यार मिल जाता है, वरना कुछ लोगों के प्यार का अंजाम इतना दर्दनाक होता है कि लोगों का प्यार पर से भरोसा उठ जाता है। आज के इस पोस्ट में हम आपको उन अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जिन्हें प्यार में धोखा मिला तो उन्होंने अपनी जान ही दे दी। टीवी के साथ साथ बड़े पर्दे की भी ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्हें सच्चा प्यार हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी जान देना ही बेहतर समझा। कौन सी हैं वो अभिनेत्रियां, आइए जानते हैं। जिया खान का जन्म 20 फरवरी 1988 को हुआ था। उनका असली नाम नफीसा खान था। जिया के पिता भारतीय अमेरिकी हैं। जिया की परवरिश अमेरिका में रहकर ही हुई थी। बता दें कि मुंबई में आने के बाद जिया की मुलाकात आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली से हुई। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और उन्हें प्यार हो गया, लेकिन इस रिश्ते का अंजाम बहुत दर्दनाक रहा। जिया की लाश 3 जून 2013 को उनके जुहू स्थित अपार्टमेंट में पंखे से लटकी हुई मिली थी। केस हाई प्रोफाइल होने की वजह से मामले की कड़ी तहकीकात हुई और सूरज पंचोली को 23 दिन की जेल हुई। हालांकि बाद में उन्हें रिहाई मिल गई थी। कुलजीत रंधावा टीवी की एक जानी मानी अभिनेत्री हुआ करती थी। उन्होंने कई पॉपुलर टीवी सीरियल जैसे कुमकुम, हिप हिप हुरे, रिश्ते, क्यों होता है प्यार में अभिनय किया, लेकिन यह एक ट्रेस कामयाब होते हुए भी अकेली और तनहा थी। वह एक लड़के से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उन्हें प्यार में धोखा मिला। प्यार में धोखा मिलने के बाद उन्होंने खुद की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म करना ही बेहतर समझा। जिया की तरह कुलजीत की भी लाश उनके फ्लैट में पंखे पर लटकी हुई मिली थी। प्रत्युषा बनर्जी ने बहुत कम उम्र में ही अपनी पहचान बना ली थी। घर घर में लोग उन्हें आनंदी के नाम से जानते थे। बता दें, उन्होंने मशहूर टीवी सीरियल बालिका वधु में आनंदी का किरदार निभाया था। इस सीरियल में आनंदी एक ऐसी लड़की होती है जो किसी भी हालात से हार नहीं मानती और उसका डट कर सामना करती है, लेकिन असल जिंदगी में प्रत्युषा बेहद कमजोर निकली। बॉयफ्रेंड राहुल राज से धोखा खाने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। प्रत्युषा की मौत कई दिनों तक मीडिया की हेडलाइन बनी रही थी।